Good morning, Sairam. Sairam, ma'am. Sairam, bitta, Sairam. How are you, ma'am? Fine, bitta. And you? Aap kaise? Fine, ma'am. Thank you. Good. All are fine? Sairam, ma'am. Sairam, bitta, Sairam. Yes, ma'am. Yes, thank you. Yes, ma'am. Sairam, Sairam Triveni. Triveni, daily class attend kiya karo, theek hai? Jo bachche beech mein, koi koi bachche jo absent ho jate hai, unko daily class attend karna hai. Sairam bitta, Sairam. Now all of you join your hands, close your eyes. Madhav, apna DP kholo bitta. Video kholo, sorry, DP nahi, video kholo apna. और ये कौन है इधर ध्रुव है कौन है ये डी से ये भी अपना वीडियो खोल के रखेंगे तारुष एमान यस जॉइन योर हैंड्स क्लोज योर आईज वेदांश कुमरा बता आप भी बेटा मैम मेरी वीडियो मैं मेरा वीडियो ओके यहाँ भी खुला है लेकिन यहाँ पर बेटा दिखता नहीं है किसी किसी का आपको लगता है कि खुल गया Yes, start prayer. Sairam children. Sairam bitta, Sairam, Sairam. 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 Abhi 19 bachche aaye hain. Sairam bitta, Sairam. Sairam. Meena, video kholo apna. Main aapko acche se pehchanti bhi nahi hu abhi. Aap video nahi kholte ho apna acche se to. Sairam. Sairam bitta, Sairam. दिव्यांश मीना अपना वीडियो खोलो यस मैम और माइक बंद करो जब मैम बोलती है ना माइक तभी खोलना है आपको या फिर आपको कुछ पूछना है मैम से है ना कुछ क्लियर करना है तब आप लोग अपना माइक खोल सकते हैं अदरवाइज बंद रखा करो ना यस ये किसका है तनिष वीडियो खोलो अपना त्रिवेणी का है त्रिवेणी और टाइम से क्लास देखो 3 मिनट्स ज्यादा हो गए हैं और अभी तक सारे बच्चे नहीं आए हैं हमारे 20 बच्चे ही आए हैं अभी 19 ही एक तो मैडम ही है उसमें और 3 मिनट्स ज्यादा हो गए हैं आपको बल्कि 1 मिनट पहले ही आना चाहिए ना क्लास में अभी 21 हो गए हैं देखो फिर बच्चों का छूट जाता है मैम स्टार्ट कर देती है ना सिखाना तो जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं उनका छूट जाता है ना उनको वो चीजें फिर क्लियर नहीं हो पाती है अनाबिया सायरम बेटा बीच में नहीं छोड़ना है ठीक है सायरम सायरम बेटा सायरम राधिका चलिए शुरू करते हैं बाकी के बच्चे आ जाएंगे ठीक है तो आज हमारा टॉपिक है तितली और कली है ना तितली और कली तो तितली तो बच्चे जानते हैं लेकिन हो सकता है कली का मतलब कुछ बच्चों को ना पता हो है ना मैम ये कली क्या होता है क्या बेटा मैम ये कली क्या होता है कली नहीं बोल रही हूँ बेटा मैं कली बोल रही हूँ कली
तितली वो क्या होता है? अभी बताती हूँ मैं आपको। कली कमल, कली यानी जब फूल खिलता नहीं है ना, जब फूल जब फूल खिलता नहीं है। गणेश मैं बता रही हूँ बेटा। हाँ आप आंसर करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप बीच में अपना माइक नहीं खोलेंगे, ठीक है? तो जब फूल, एक फूल होता है जब वो खिलता नहीं है तब वो कली के रूप में रहता है, और जब वो कली खिल जाती है तो फूल बन जाता है ना। जब बिना, जो बिना खिला हुआ फूल होता है वो कली होती है, जब वो कली खिल जाती है तो वो फूल बन जाती है। आ गया समझ में? यस। वो छोटी सी रहती है, फूल बन के तो बड़ा हो जाता है लेकिन वो छोटी रहती है। हाँ तनिष बोलो। यस बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने। मैम पर ऐसे फिर ऐसे खुल जाता है। हाँ ऐसे खिल जाता है, उसके पैटर्न सारे, उसकी पंखुड़ियां पूरी खिल जाती है ना, फैल जाती है पूरे में। हाँ तो आज हम वो स्टोरी मैंने पढ़ी थी। सबने पढ़ ली? मैम मैंने पढ़ी थी। बहुत बढ़िया मैम, मैंने पढ़ी भी थी और लिखी भी थी। ओके वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तनिष पढ़ते हो ना, बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चे पढ़ते हैं ना इस क्लास में, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ता है। वेरी गुड। अब ये श्रेयस, आप बेटा फिंगर नहीं डालो माउथ के अंदर, है ना, तो जाती है ना। मैम मैं तो अच्छे से नहीं पढ़ पाता था, मेरे कहते थे अच्छे से पढ़, बार बार पढ़ा थे खेलने जाने, जब मैं ठीक से पढ़ता था जब भी खेलने जाने देते थे। अच्छा तो अच्छी बात है ना, पहले पढ़ाई कर लो अच्छे से मन लगाकर, फिर मन लगाकर खेलने जाओ, है ना, दोनों काम हो जाते हैं ना अच्छे से। यस देखो माधव ने अब अपना वीडियो खोल लिया, अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ बच्चों ने वीडियो बंद कर रखे हैं, वो सारे बच्चे अपना अपना वीडियो खोलो एक बार। वीडियो केवल उसको बंद करने को बोलती है मैं जिसके यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वीडियो से नेट ज्यादा जाता है, इसलिए बाकी सब खोल के रखते हैं। यस बेटा क्या बोल रहे हो? ये बन मैम होता है ना, ये सिर्फ नेट के लिए होता है, नेट आने के लिए। लेकिन जब नेट ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो वीडियो खोल के ही रखते हैं, है ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं, हमारे 25 बच्चे हो गए, ठीक है। 24 हाँ 24 हो गए, 25 में एक मैडम है, तो अभी 24 हो गए, 25 दिखा रहा है यहाँ पर। चलिए अब ध्यान से हम लोग इसको तितली और कली को करेंगे। इस पोएम को, इस कविता को आपको याद भी करना है, और करने के बाद अभी मैं आपको कुछ काम दूंगी कि क्या करना है इसके लिए, वो लास्ट में बताऊंगी। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है? ओके और कोई भी बीच में माइक नहीं खोलेगा, ठीक है ना। हाँ नहीं तो फिर पूरा डिस्टर्ब होता है, टाइम भी वेस्ट होता है बेटा उसमें, है ना। अब 26 हो गए हैं देखो हमारे बच्चे, है ना, मतलब 25 बच्चे हो गए, ठीक है। देखिए यहाँ पर है पाठ 8, हिंदी में 8 बोलते हैं, इंग्लिश में 8 बोलते हैं ना आप लोग, तो ऐसा इंग्लिश का 8 है ये, है ना।
तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको, आठ आठ, तितली और कली, है ना। इस कविता का नाम है तितली और कली। तो तितली तो आप जानते हो, बटरफ्लाई है ना, जुड़ती रहती है, कलरफुल होती है, लाल पीली हरी है ना, नीली गुलाबी, सब कलर की होती है, रंग बिरंगी होती है, इसलिए तितली को रंग बिरंगी बोलते हैं। और कली, कली का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो बिना खिला हुआ। यस बेटा, हाँ, सारे बहुत कलर की होती है तितली। और कली का मतलब मैंने आपको बताया अभी कि जो बिना खिला हुआ फूल होता है वो कली कहलाती है, और जब वो खिल जाती है कली तो वो फूल बन जाती है। तो इसको हम कविता को अब पढ़ेंगे, ठीक है। यस, इसके लिए मैं ऐमान को बोलूंगी। ऐमान। यस मैम। यस, आप ये फोर लाइन्स हैं ऊपर की, इनको पढ़ोगे और समझाओगे, आप टीचर हो आज, ठीक है। यस, हरी डाल पर लगी फूल थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम हो बड़ी बड़ी। मैं बढ़ लिया। वेरी वेरी गुड, इसका मतलब बता सकते हो आप? एक हरी डाल पर लगी थी मतलब नन्ही सी एक कली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पास आकर बोली क्या वो लगती है बड़ी बड़ी। हाँ, क्या? हाँ, तो इसका अर्थ कुछ मतलब बता सकते हो आप? किसका मैम? ये फोर लाइंस जो आपने पढ़ी है अभी, चार लाइंस, इनका मतलब समझा सकते हो, अर्थ मीनिंग? चलिए कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छे से आपने प्रोनाउंस किया। हाँ, वेरी गुड। तितली हरी डाल में बैठी थी और यस, और वो एक कली थी सुंदर लग रही थी। हाँ, और फिर तितली उसके पास आकर ये बोली, क्या बोली? तितली वो बोली मतलब बहुत अच्छी। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया आपने। यस, अब मैं सताक्षी को बोलूंगी। सताक्षी, नीचे की जो चार लाइन्स है वो आपको पढ़ना है और बताना है। सताक्षी। यस मैम। यस, नीचे की फोर लाइन्स जो है आप पढ़िए उनको। अब जागो खोलो और हमारी संग खेलो, पहले सुंदर माँ तुम्हारी माँ के सारी गली गली। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इसका मीनिंग बता सकते हो, अर्थ थोड़ा सा समझा सकते हो इसको? यस मैम। यस, बताइए। अब जागो खोलो, इसका मतलब तुम जागो। यस, और हमारे साथ मेरे साथ खेलो। यस, आगे नीचे टू लाइन्स। इसका मतलब तुम्हारी मैं बहुत ही अच्छी है, तुम्हारी महक सारी गली गली, तुम्हारे जो महक है वो सारी गली गली में फैली हुई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सताक्षी, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। अब मैं रूहानी को बोलूंगी। रूहानी, ये फोर लाइंस आप पढ़ेंगे। ओके मैम। यस, कली चित्र खेली रंगीली खिली रंगीली, तुरंत खेल खेल की सुनकर बात बात हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब इसका थोड़ा सा मीनिंग बताइए। मतलब कली
एकदम से खींच गई और रंगीली बन गई तो, और वो तुरंत उनकी उनकी बात उनके खेले जम गई साथ हवा इधर और तितली छोड़ चली गई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तीनों बच्चों ने बहुत अच्छा बताया। अब हम तीनों बच्चों ने 90% एक्सप्लेन कर दिया, बहुत अच्छे से रीडिंग किया, तो हम डेली कुछ कुछ बच्चों को ऐसे ही टीचर बनाएंगे, ठीक है? आप ही को पढ़ना है, आप ही को बताना है। अब मैडम सब एक एक वर्ड क्लियर करके आपको बता रही है यहाँ पर, ठीक है? देखो हमारी कविता का नाम है तितली और कली, जो कि मैम आपको बता चुकी है अभी। तितली यानी बटरफ्लाई है ना, जो कलरफुल होती है, तरह तरह के रंगों में होती है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर, लाल पीली नीली है ना, सब कलर आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। और कली यानी बिना छेद। यस बेटा, मैं स्टोरी को लेके कली वाली की पिक्चर बना सकते हैं? अभी मैं आपको लास्ट में एक एक्टिविटी देने वाली हूँ उसके लिए, तो पहले अपन इसको समझ ले, पढ़ ले, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है बेटा? तो आप नोट कर लेना बाद में कि मैम क्या बता रही है, ठीक है? ओके, तो बीच में कोई भी लीव नहीं करेगा मीटिंग को, लास्ट में बताने वाली हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पर है, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। तो यहाँ पर देखो एक हरी डाल है और उस पर एक कली लगी हुई है ना? हरी डाल देखते हो ना आप, जो ग्रीन ग्रीन सी डाल रहती है, डाल यानी ब्रांचेज जो जानते हो ना आप, हाँ वो। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। तो तितली उसके पास आती है, किसके पास आती है, कली के पास, और उससे बोलती है कि तुम बड़ी भली यानी तुम बड़ी बड़ी प्यारी लगती हो, बहुत बहुत ही प्यारी हो, छोटी सी ये है ना, आपने देखा है ना ऊपर नन्नी, नन्नी मतलब छोटी सी, हम बोलते हैं ना नन्ना बच्चा, नन्नी बच्ची, मतलब नन्नी यानी छोटा या छोटी, ठीक है? और भली यानी प्यारी। तो वो जो तितली है कली के पास आती है और बोलती है कि तुम बहुत छोटी सी हो और बहुत प्यारी सी हो, तुम बहुत प्यारी दिखती हो, बहुत प्यारी लगती हो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तितली ने क्या बोला कली को, अब तुम जाग जाओ, जैसे आपसे बोलती ना मम्मी अब तुम जाग जाओ उठ जाओ, वैसे ही कली ने उससे, सॉरी तितली ने कली से बोला कि अब तुम जाग जाओ मतलब तुम खिल जाओ और मेरे साथ खेलो, संग यानी साथ है ना, और मेरे साथ में खेलो, मुझे अच्छा लगेगा, तुम जाग जाओगी और तुम खिल जाओगी तो, और मेरे साथ खेलोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फैले सुंदर महक तुम्हारी, यहाँ पर महक का मतलब है खुशबू है ना, फूलों से कलियों से खुशबू आती है ना, पेड़ पौधों से, तो फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। महक यानी आपको बताया मैंने कि खुशबू, और गली गली यानी सारी गलियों में, जितनी भी गलियां हैं शहर की, गांव की, सब जगह की, सारी गलियों में तुम्हारी खुशबू फैली है ना। कली छिटक कर खिली रंगीली, तो कली क्या एकदम से फैल गई, खिल गई है ना, कलरफुल, छिटक कर यानी फैल गई, फैल जाना, पूरा फूल जो होता है ना वो खिलकर फैल जाता है ना, वो है यहाँ पर छिटक्कर का मीनिंग। तो कली खिल गई पूरी तरह से, कलरफुल है और बहुत सुंदर है वो, रंगीली यानी कलरफुल। तुरंत खेल की सुनकर बात, उसने जैसे ही तितली की खेल की बात सुनी, साथ हवा के लगी भागने, वो हवा के साथ भागने लगी और तितली छूने उसे चली, और तितली उसे छूने लगी, मतलब दोनों का खेल शुरू हो गया। जैसे आप लोग खेलते हो ना छूने का गेम, पकड़म पकड़ाई का, जब आप स्कूल आते थे तो बहुत खेलते थे बाहर ये वाला गेम कि पकड़ना है एक दूसरे को, छूना है, दौड़ना है, भागना है ना, वैसे ही तितली और कली ये वाला गेम, ये वाला खेल खेलने लगी, कौन सा, छूने वाला, पकड़म पकड़ाई का खेल खेलने लगी। तो हमारी ये कविता का पूरा मतलब यही है कि एक तितली है और एक कली है, जो कली है वो एक हरी डाल पर लगी हुई है, एक ब्रांच पर लगी हुई है, तो उसके पास एक सुंदर सी प्यारी सी कलरफुल तितली आती है
और उससे बोलती है कि तुम बहुत छोटी सी बहुत प्यारी हो, अब तुम जाग जाओ यानी तुम खिल जाओ और मेरे साथ खेलो, और तुम्हारी जो खुशबू है वो पूरे में फैली हुई है, गली गली में फैली हुई है, सब जगह फैली हुई है। और जब वो कली खिल जाती है, कलरफुल कली बहुत सुंदर लगती है, फूल बन जाती है, और खेल की बात सुनकर वो बहुत खुश होती है और क्या करती है, वो दौड़ने भागने लगती है हवा के साथ, और तितली उससे पकड़ने छूने लगती है। ठीक है, तो यही हमारी पूरी कविता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको यहाँ पर दिख रही है ना ये कली, देखो ये कली, अभी ये पूरा फूल नहीं बना है, ये कली है अभी, जब ये खिल जाती है ना तो देखो ऐसे ये फूल बन जाती है, ये फूल अलग दिख रहे हैं, ये कली है। ठीक है, ये अभी ये खिली नहीं है, तो इनको हम बोलेंगे कली। और जब ये देखो पूरे पेटल्स बाहर आ गए ना, तब फूल की पंखुड़ियां। यस बेटा, ये झोला झोला था, हाँ छोटा सा, हाँ बोलिए, वो बोलते खिलता है वो ऐसे। हाँ मैम, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। किसको नहीं दिख रही? मैम मुझे दिख रही पर आप अपना नाम बताओ, किसको नहीं दिख रही? यशवर्धन। यशवर्धन, आप मोबाइल के साथ बहुत खेलते हो मुझे पता है, यहाँ तक कि आपने ग्रुप से भी लेफ्ट कर दिया था। आप बार बार कुछ गड़बड़ करोगे स्क्रीन पर तो आपको नहीं दिखेगी। और बाकी बच्चों, तनिष आपको दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। रूहानी, ऐमान दिख रही है? यस मैम। ओके, तो यशवर्धन आप लिख करके फिर से आप ज्वाइन करो, और मोबाइल के साथ में खेला मत करो बीच बीच में, तभी आपको स्क्रीन दिखेगी। तो आपको इस कविता का मतलब समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, कि तितली कली के पास आती है, क्या बात करने आती है, खेल की बात करने आती है, और उसकी तारीफ करती है कि तुम बहुत सुंदर हो, प्यारी हो, छोटी सी हो, और उससे बोलती है कि तुम मेरे साथ खेलो, और फिर दोनों ने खेल खेला। कौन सा खेल खेला? पकड़म पकड़ाई का, एक दूसरे को छूने का गेम खेला, है ना। तो अब हम इस कविता को अच्छे से पढ़ते हैं पूरे लय के साथ में, अभी हमने समझ लिया। ठीक है, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, आओ अब सॉरी अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी महक के सारी गली गली। गली गली का भी मतलब आपको आ गया, मतलब सारी गलियां, है ना। कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली। तो यहाँ सारी चीजें हो जाती है हमने जो समझ ली है अभी। तो अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर है कुछ वो देखते हैं, अभी हम थोड़े ही करेंगे उनको समझेंगे कि हमको कुछ समझ में आया या नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पर है कविता से, तो कविता से ही हमको क्वेश्चन आंसर ढूंढना है सारे, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, यशवर्धन तुम आ गए क्या, ज्वाइन कर लिया क्या तुमने? यस मैम। यस, तो पहला वाला क्वेश्चन पढ़ना क्या है? तितली कली के पास क्यों गई थी? बताइए जरा, क्यों गई थी तितली कली के पास? क्योंकि वह बहुत सुंदर थी और छोटी थी। अच्छा, और भी कुछ है जो अपने अपन ने कविता में पढ़ा है? मैं बीच में कोई नहीं बोलेगा, नहीं तो फिर डिस्टरबेंस आएगा बेटा, है ना। ठीक है, अगर कुछ बच्चों से मैं आज पूछ लूंगी तो कुछ बच्चों से कल भी पूछूंगी, तो आप बीच बीच में माइक नहीं खोलेंगे। मैंने अभी यशवर्धन को बोला था तो यशवर्धन ने अच्छा बताया, उसने पढ़ा भी अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, कोई मैं अब मैं दूसरे बच्चे को बोलूंगी। हाँ, अभी त्रिवेणी बताएगी मुझे, त्रिवेणी। यस मैम। यस बेटा, पढ़ो पहला वाला क्वेश्चन। तितली को कली ने कोया खेलो
सेकंड वाली बस नहीं है, थर्ड वाली नहीं। तनेश आप नहीं बोलेंगे बेटा, टीचर है ना, मैम है ना बोलने के लिए। अभी यहाँ पर आपको डेली बोलना पड़ता है, नहीं खोलो। आपको पहला वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है त्रिवेणी अभी, मैम सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला ही पढ़ो अभी, पहला वाला ही। तितली कली के पर पास, बेटा पास, तितली कली के पास गई। क्यों गई थी बेटा तितली कली के पास? क्योंकि उसको खुशबू आ रही थी। अच्छा, वेरी गुड, क्योंकि उसको खुशबू आ रही थी। हमको कविता में हमने कुछ समझा कि कविता, हम इसमें लिखा है ना कविता से, हमको कविता से छांटना है इसके आंसर को। तो कविता में क्या दिया हुआ है? आपने बिल्कुल सही बताया, बहुत अच्छा सोचा आपने। और लेकिन हम अगर कविता से देखते हैं तो फिर क्या मिला हमको? मैम यस, आप अपना मैम स्कूल वाली कॉपी में तितली ड्राइंग कर सकते हैं, तितली ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपना नाम बताएंगे? रोहानी। रोहानी, मैं अभी आपसे बोल रही थी ना थोड़ी देर पहले कि क्या करेंगे हम लोग, अभी अपना जो थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में एक एक्टिविटी देने वाली हूँ मैं, ठीक है ना? तो आप पूरा लिख लेना कि मैम ने क्या क्या बताया है करने के लिए, ठीक है बेटा? ओके, हाँ अभी बताती हूँ मैं डिस्कस करने के बाद। तो ये त्रिवेणी, आपको बेटा रीडिंग की थोड़ा और प्रैक्टिस करना है, ओके? और चीजों को समझ के सुनना है और पढ़ना है, ठीक है? यस, अब है वेदांश प्रजापति। वेदांश तुम क्लास में थे, मैंने देखा था, बाहर हो गए क्या? चलिए वेदांश कुमराबाद। वेदांश प्रजापति आप बाहर है? हाँ बोलो, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बोलो जरा। यस मैम, पहला वाला क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर बताइए कि कविता में हमने क्या पढ़ा इसके बारे में। कौन सा? तितली, तितली हाँ। कली के पास क्यों गई थी? यस, क्योंकि उसको खुशबू आ रही थी। हाँ, उसको खुशबू आ रही थी। और उसने कुछ बोला था क्या? कुछ बात भी बोली थी ना तितली ने कली के पास आकर? यस मैम। क्या बोला था? आप मेरे साथ खेलो। हाँ वेरी गुड, यहीं पर हमारा आंसर आ गया। ये किस बच्चे ने बोला कि तुम मेरे साथ खेलो? मैम दृष्टि राजपूत। ओके मैम, लगती हो बड़ी। मैम दृष्टि, लेकिन आपको माइक खोल के बीच में नहीं बोलना है ना बेटा। आपने आंसर बहुत अच्छा दिया, लेकिन एक बच्चा अगर बोल रहा है तो बीच में प्लीज बेटा नहीं बोलना है ना, जब आपसे पूछेंगे तब बोलना, डिस्टर्ब होता है ना ऑनलाइन क्लास में बेटा, इसलिए। मैम आपकी इसके बाद मेरी टर्न। हाँ तो देखो मैं बता रही हूँ इसका आंसर, आपने बता ही दिया है दृष्टि ने थोड़ा। तो तितली कली के पास खेलने गई थी, केवल एक ही वर्ड आपको जोड़ना है। तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास खेलने गई थी। जैसे आपको बहुत अच्छा लगता है और आप अपनी फ्रेंड को बोलती हो ना कि खेल रही हो क्या, मेरे साथ खेलो, चलो आ जाओ बाहर, ऐसे ही तितली भी कली के साथ खेलने गई थी। तो इसका आंसर हुआ तितली कली के पास खेलने गई थी। तनिष आपका जब चांस आएगी तब बताना आप, ठीक है? अब है वेद, वेद साहू।
वेद आप भी थे क्लास में, ऐसे टाइम पर आप बाहर हो जाते हो, क्या है ये? और मैं ज्यादा वेट भी नहीं कर सकती क्योंकि फिर हमारा टाइम चला जाएगा। तारुष चलो आप पढ़ो सेकंड वाला। मैम वेट कर रही हूं। तारुष यस मैम। यस सेकंड नंबर का क्वेश्चन पढ़िए। तुमने कितनी गाली के पास गई? ये वाला नहीं बेटा, सेकंड नंबर का ऊपर जो लिखा हुआ है उससे दूसरे वाले नंबर का पढ़ना है। देखो मेरा एरो देखना, ये वाला पढ़ो, ये वाला okay. ये वाला पढ़ना है। खेल हाँ, तितली और कली ने क्या खेल खेला? कौन सा खेल खेला तितली और कली ने? यस वेरी गुड। तो केवल हमको इसके साथ भी दो ही शब्द जोड़ना है कि तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। सिंपल सा तरीका, सिंपल सा आंसर, ठीक है? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। ओके यस अब है। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा आंसर किया आपने। तनिश अब आपका नंबर है बेटा। अभी बेटा मैंने दो तीन बार आवाज लगाई थी ना वेद, आप कहाँ चले गए थे? माइक चालू। मैम तो आपने चालू क्यों नहीं किया बेटा माइक? यस मैम, वो माइक चालू नहीं हो रहा था। अब कैसे हो गया? यस मैम, मैम वो रुक गया था। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान रखना है ना, क्योंकि फिर बीच में अगर दूसरे बच्चे का नाम आ जाता है तो फिर वो बच्चा फिर बोलना शुरू कर देता है ना। इसके बाद तनिष के बाद मैं आपसे पूछती हूँ वेद, ठीक है? अपना अभी माइक बंद करो वेद, तनिष बोलेगा अभी। तनिष थर्ड नंबर का, तनिष ये वाला पढ़ो थर्ड नंबर का। तितली क्या कहने पर कली खुश हो गई? हाँ, तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? चलो हम खेलते हैं। हाँ तो क्या तितली तितली खेलने लगी थी वो दोनों? हाँ, कली तितली। हाँ तो खेल की बात सुनकर खुश हो गई, खेल की बात सुनकर वो खुश हो गई है ना। कौन खुश हो गई? कली। हाँ तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली के खेल की बात, खेल खेलने की बात कहने पर कली खुश हो गई है ना। वेरी गुड तनिष, बहुत बढ़िया। यस अब हम ये वाला और करेंगे, ठीक है? अब वेद बोलेगा। वेद अब अपना माइक खोलो बेटा। यस मैम। यस अब आप ये लिखा हुआ है ना अंदाजा लगाओ, ये तीनों क्वेश्चन सबको याद हो जाना चाहिए, आपको रटने की जरूरत ना पड़े। तो मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास खेलने गई थी। ओके खेलने शब्द आएगा ये। तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला है ना, बहुत सिंपल सा तरीका है। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली के खेल खेलने की बात सुनकर कली खुश हो गई। ओके चलिए अब वेद यहाँ से स्टार्ट करेगा। वेद पढ़ो बेटा यहाँ से, जो मेरा एरो है ना। ये वाला पढ़ो, ये वाला। मैं वेद लेफ्ट हो गया। वेद लेफ्ट हो गया। वेद चलिए ओके। इसके बाद है श्रेयस, नहीं सुमीर, सुमीर सुमीर। यस मैम। तो मेरा आप पढ़ो ये वाला।
अंदाजा लगाओ तितली कली के पास कब गत होगी। हाँ, तितली कली के पास कब, आपको सोचना है, ये आपको खुद का अपना दिमाग लगा के बताना है कि तितली कली के पास कब गई होगी। ये तीन इसमें ऑप्शन है, सुबह, दोपहर और शाम, तो तीनों में से कब गई होगी बताओ जरा। सुबह। सुबह आपने सोचा, सुबह गई होगी है ना। अच्छा सुबह क्यों गई होगी बता सकते हो? सुबह सब जाते हैं अच्छा मूड करने के लिए। तनिष मैंने आपसे पूछा क्या बेटा, अभी एक भी बच्चा अपना माइक खोल के बीच बीच में नहीं बोलता है, केवल आप ही हो। मुझे पता है बेटा ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आप घर में पढ़ाई करते हो तो आपको सारे आंसर आते हैं, आप अच्छे बच्चे हो, लेकिन बीच में माइक खोल के बार बार बोलना, क्लास में डिस्टर्ब करना, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो फिर दूसरे बच्चे को दिक्कत होती है, तो आप बार बार ही माइक बीच में, अगर आपकी मम्मी पास में है तो ध्यान से सुनेंगी वो, कि इसको थोड़ा सा बोलेंगे कि बीच बीच में बेटा माइक नहीं खोलना है, जब मैम बोलेंगे तभी खोलना है। ठीक है तनिष? यस। तो फिर बताओ बेटा सुबह ही क्यों गई होगी वो? क्योंकि सुबह आपने ये अच्छा आंसर बताया, आपने सोचकर कि सुबह गई होगी है ना, इसमें टिक लगाएंगे सुबह में। और ये अगला वाला बच्चा बताएगा मुझे, इसका नाम है श्रेयस गुप्ता। श्रेयस। यस मैम। यस बेटा, आप ये वाला बताएंगे, तुमने समय का अंदाजा कैसे लगाया? जैसे उसने बताया सुमिर ने कि सुबह गई होगी तितली कली के पास, तो सुबह क्यों गई होगी इसको बता सकते हो आप? मैम क्योंकि वो कली शाम को सो जाती। अच्छा शाम को सो जाती है, तो इसका मतलब यही निकलता है कि सुबह क्या होता है, सब जाग जाते हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु जानवर है ना, सब जाग जाते हैं, इसलिए कली तितली को सॉरी तितली कली के पास सुबह गई है ना। क्या आंसर हुआ इसका? क्योंकि सुबह सब जाग जाते हैं, पशु पक्षी है ना, सब जाग जाते हैं, इसलिए तितली कली के पास सुबह गई है ना। गुड, वेरी गुड। अब हमारा टाइम देख ले हम, क्योंकि आपको एक्टिविटी भी बताना है। हाँ टाइम हो रहा है, तो अभी हम इतना ही करेंगे, हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आगे यहाँ तक हो गया है ठीक है ना, अब हम आगे का कल करेंगे ठीक है। ओके, तो अभी हम मैं क्लास में आके बताती हूँ आपको कि क्या करना है आज आपको, ठीक है बेटा। रुकना मैं तो। यस बेटा, सबने बहुत ध्यान से सुना और समझा है ना, और बहुत अच्छे से समझाया भी। अब मैं कुछ चीजें हैं जो कल जो बचे हुए बच्चे हैं उनसे करवाने वाली हूँ, वो उसको अच्छे से पढ़ेंगे आज भी ठीक है ना, याद करेंगे ये वाली कविता। अब पेंसिल अगर पेपर अगर आपके पास है तो आप समझ लेंगे इन चीजों को, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको क्या करना है कि ये कविता तो आपको मैं दो तीन दिन दे रही हूँ, आपको याद करना है फ्राइडे तक ठीक है, तीन चार दिन है आपके पास, फ्राइडे तक आपको इस कविता को अच्छे से याद करना है। ओके, नंबर टू, आपको एक सुंदर सी बटरफ्लाई आपकी ड्राइंग बुक में पहले उसको ड्रॉ करना है पेंसिल से ठीक है, एक सुंदर सी बड़ी सी बटरफ्लाई, फिर उसमें कलर कर लोगे ठीक है, सुंदर सुंदर कलर और बड़ी सी बनाना, और उसको क्या करोगे कलर करने के बाद उसकी कटिंग कर लोगे ठीक है, कटिंग करके फिर आप लोग किसी दूसरे बड़े पेज पर, जैसे आपका अपना ड्राइंग बुक का ही कोई पेज ले लेना, उस पे आप उसको पेस्ट करोगे
उस पे आप उसको पेस्ट कर लोगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद उसमें क्या बेटा, पेज पेज मतलब पेपर, ड्राइंग बुक का पेज, पेज तुम, ठीक है। मैम ये पूछ रहा है कि पेज का मतलब, पेज मुझे समझ में आ रहा है, पेज तो नहीं मैम, पेस्ट पेस्ट बोल रहा है, पेज बोल रही हूँ, पेज पेज मतलब पेपर। तो ड्राइंग बुक में आप लोग उसको ड्रॉ कर लोगे पहले, फिर सुंदर सुंदर कलर कर लोगे, फिर उसकी कटिंग करके दूसरे पेपर पर लगाना उसको, दूसरे मतलब ड्राइंग बुक के दूसरे पेपर पर उसको चिपकाना, ठीक है। पेस्ट कर दोगे, पेस्ट यानी चिपकाना, ठीक है तनेश। उसको आप पेस्ट करने के बाद में उसके जैसे आपने, देखो मैं ये बताती हूँ आपको, जैसे मैम दोबारा बता दूं मैं, देखो जैसे आपने ड्राइंग बुक में, ड्राइंग बुक में बटरफ्लाई बना ली सुंदर सी बड़ी सी, फिर उसकी कटिंग कर ली, ठीक है। फिर उसको एक ड्राइंग बुक में ही यहाँ पर पेस्ट कर लोगे, ठीक है, यहाँ पर सुंदर सी बड़ी सी बनाओगे, और उसके बाद में यहाँ पर जो लाइन बचेंगी आपकी जगह बचेगी यहाँ पर, यहाँ पर आपको ध्यान से सुनो ये वाली बात, रूहानी सुन रही हो ना बेटा? यस मैम। हाँ जो आप पूछ रहे थे ना, मैं बता रही हूँ ना बेटा कि क्या करना है आपको। तो बटरफ्लाई के पास में जो आपके पास जगह रहेगी वहां पर आपको 4 से लेके 6 या 8 लाइंस तितली के ऊपर कोई भी एक कविता बना के, खुद की कविता बना के, वो बुक की नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बुक की, और किसी भी आपको मोबाइल से नहीं, आपको डाउनलोड करके देख के उसको लिखना है, अपने मन से बनाना है आपको, जैसी भी बनाओगे मैम को अच्छी लगेगी। तो आपको तितली का पिक्चर बना के, क्या बेटा मैम कविता बनानी है? हाँ कविता तितली पर, पहले तितली की पिक्चर बना के उसकी कटिंग करके उसको पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे, फिर उसके पास में मतलब कम से कम 4 लाइन, ज्यादा से ज्यादा 8 लाइन आपको यहाँ पर लिखना है, चाहे वो कैसी भी हो मुझे अच्छी लगेगी, लेकिन आपको कॉपी नहीं करना है कहीं से, ना तो बुक का लिखना है आपको और ना कहीं मोबाइल से लिखना है। मैं समझ जाऊंगी कि बच्चों ने किस किसने अपने आप बनाई है, तो इसके लिए मैं आपको 2 दिन दे रही हूँ, आज का दिन है और कल का दिन है, और कल का टाइम देख लो आप, मैं आराम से सारे बच्चों का जिससे देख लूंगी। आप चिल्ला कर बोलते हो, मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या बोला आपने तनिष। तितली बनाना है और तितली के ऊपर 4 लाइन से लेके 6 या 8 लाइन की एक कविता अपने आप बनाना है आपको, खुद को, खुद की कविता होगी वो आपकी, और ये आपको मुझे भेजना है सेकंड डे के ग्रुप। दूसरा क्लास भी है, मुझे जल्दी से खत्म करना है, एक ही बार में सुन लेना चाहिए सारे बच्चों को, हर एक बच्चे के लिए मैं बार बार बोलेंगी क्या, 3 बार बोल जाऊंगी। अगर अपन को बुक की याद हो तो अपन बुक की भी लिख सकते हैं, बुक के शब्द आप लोग 2 कॉपी बुक को नहीं लिखना है, अपने शब्द उसमें जोड़ना है, अपना सोच उसमें लाना है कि आप बटरफ्लाई के बारे में क्या सोचते हैं, बटरफ्लाई क्या करती है, कैसी होती है, खुद आपका बोलना मतलब है कि थोड़ा बुक से लेना है और थोड़ा हमारे दिमाग से। नहीं नहीं बुक से बिल्कुल नहीं लेना है, पूरा अपने दिमाग से ही लेना है, ठीक है। हाँ मतलब पूरे जो सेंटेंस है वो आपके अपने दिमाग के बने हुए, जैसे रंग बिरंगी है, कली है, ये तो आएंगे शब्द, ये तो कोई कहीं आएंगे नहीं, ये तो आपको बुक से लेना ही पड़ेंगे, मतलब है वो आप चेंज कर सकते हैं, अपने दिमाग से सोच कर बना सकते हैं, और ये आपको मुझे भेजना है सेकंड बी के ग्रुप पर कल 6 से 7 के बीच में, टाइम लिख लो 6 to 7 ट्यूसडे, 6 to 7 ट्यूसडे, ठीक है। अब आप लोग का एक साथ भेजोगे ना सारे बच्चे, तो मैं एक साथ सारे बच्चों का देख लूंगी,
है ना, बीच बीच में और दूसरे मैडम के मैसेज आ जाते हैं, दूसरे बच्चों के मैसेज आते हैं ना, तो मैं देख नहीं पाती हूँ ना सारे बच्चों का, बीच में एक आध बच्चे का छूट भी जाएगा, है ना। इसलिए कोई दिक्कत ना हो तो आप कल 6 से और 7 के बीच में ये करके आप मुझे भेज देंगे, ठीक है। ट्यूजडे को भेजना है 6 PM से लेकर 7 PM के बीच में आपको भेजना है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम शांति पाठ करते हैं। शांति 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 मुझे आना चाहिए, ठीक है। बाय मैम, बाय बाय, सारा मैम बाय 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 बाय। अब मैम बेटा मीटिंग लीव कर दो, यशवंत मैम। यस बेटा, ओके मैम, कल कल